हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ममता की लाइफ में स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये छोटा सा पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने एक डोरमेट स्टाइल में बनाया है, या आप कह सकती हैं कि पूजा आसन के लिए ये बहुत सुंदर लगेगा। आप अपने टेबल पे इसको रखिए, अच्छा लगेगा। मैंने इसको देखिए अभी जोड़ा नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये बना, ये बना, ये बना, लास्ट ये बना और ये यहाँ पर आके एकदम मिल गया है। तो ये इस तरीके से अब ये जुड़ने के बाद यहाँ पे यहाँ का फंदा मैं उतारूंगी और साथ में इसको जोड़ दूंगी। क्या आप अगर जोड़ने नहीं आता है, मैंने अपने फर्स्ट वाले जो डोरमेट मैंने बताया था स्टार टाइप का, उसमें मैंने ये जोड़ना बताया है, तो मैं आपको इसमें जोड़ना नहीं बता रही हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक इसका बॉर्डर भी बनाना बताऊंगी, लेकिन अब ये बनने के बाद इसी तरह से इतना ये सुंदर लग रहा है कि अब इसमें बॉर्डर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। अगर आपको मन हो तो आप क्रोशिया से छोटा मोटा कोई भी बॉर्डर बना सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो अब ये चीज़ जो है, मैं जैसे कि अभी तक पिछले अपने सारे जो डोरमेट आसन या जो कहिए, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा है कि मैम आप इसको डोरमेट मत बोलिए, ये बहुत सुंदर लग रहा है, तो आप लोग इसको कुछ भी समझ सकती हैं। तो मैं इसको देखें, यहाँ पे ये फंदा पड़ा है, इसको मैं खोलूँगी और फिर इसको मैं जोड़ दूँगी। जोड़ देने के बाद अब मैं ये जो सेम पैटर्न हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करके पूरा स्क्वायर में बना लिया है, ये बिल्कुल चौकोर बना है। आप चाहें तो ऐसे ही ऐसे और पैटर्न बना के आप इस तरह से अगल बगल सिल सकती हैं, तो ये एक नया पैटर्न भी बन जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ अलग कर दीजिए, यहाँ पे कुछ अलग कर दीजिए, तो ये एक अलग चीज़ बन जाएगा। मुझे ये इसी तरीके से थोड़ा सा अच्छा लगा, तो अब मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी। आपको अगर इसमें ये डोरमेट कह लीजिए या जो कुछ भी कुछ और बॉर्डर बनाना है, तो आप इसमें अपना बॉर्डर बना सकती हैं। ये मेरा देखिए 40 फंदे का काफ़ी लंबा आया है। आप अगर 50 फंदे या 100 फंदे का बनाएंगी तो अच्छा खासा ये पूजा का आसन बन जाएगा, जिस पे आप अच्छे से बैठ के पूजा वगैरह कर सकती हैं। तो अब इसी एक पैटर्न को, ये हम लोगों ने जो इस तरह से फंदा छोड़ते हुए बनाया है, अब इसी के हिसाब से मैं आपको आज एक कुछ नया डिज़ाइन बनाने की कोशिश करती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ, जिसको आप बेबी ब्लैंकेट बना लीजिए, बड़ा ब्लैंकेट बना लीजिए, या आपके पास ऊन ज़्यादा बचा है तो आप बचे बचे ऊन से बेडशीट भी बना सकती हैं, या ओढ़ने के लिए कंबल टाइप का भी बना सकती हैं अपने लिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम इस पर कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारी सोच है कि हम इसको कैसे नया रूप दें। तो मैं इस पर अभी कुछ नहीं बना रही हूँ। अगर आपको बॉर्डर बनाना होगा क्रोशिया से, तो मैं आपको अलग से कभी कंगूरा बना के बता दूँगी कि हम क्रोशिया से कंगूरा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अब इसमें सिलाई से या किसी भी चीज़ से मैं कुछ करूँगी तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। और ये जो है इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया, देखिए यहाँ पे आके मेरा ये डोरमेट फिनिश हो चुका है। तो ये सारा देखिए यहाँ पे राउंड आया है, ये ब्लैक है, थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा, राउंड आया तो ये बाद में पता नहीं चलेगा, क्योंकि बिनते बिनते जब ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो ये फंदे खींचते हैं। तो इसके बाद जब मैं यहाँ जोड़ लूँगी तो इसको हल्का सा सुई से एक राउंड मार के सुई को और फिर टाइट कर दूँगी। और ये चीज़ देखिए यही है, इसको बस यहाँ से हम इसको ऐसे खोलेंगे और खोलने के बाद इसको हम जोड़ देंगे। तो ये मैंने आपको बताया ही है, तो ये मैं आपको आज नहीं बता रही हूँ। मैं आपको एक नया स्टाइल का, इसी पैटर्न का नया क्या है, नेट पे भी है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा एक नया कोशिश करने की कोशिश करती हूँ, तो आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए मैंने ये कलर का ऊन लिया हुआ है, तो जो भी आपके पास थोड़ा बहुत बचा ऊन है उससे आप इसको कर सकती हैं। अब देखिए ये मैं जो आपको बता रही हूँ, ये जो एक मेरा ये एक पीस आया है, इसको हम सिंगल तरीके से कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आप चाहें तो मल्टी कलर का भी इसको बना सकती हैं, चाहे तो आप एक कलर का भी बना सकती हैं, दो कलर भी लगा सकती हैं। तो मैं इसमें देखिए 21 फंदे डाल रही हूँ, मैं इसमें ऑड नंबर के फंदे डालूंगी। थोड़ा एक फंदा आपको जितना बड़ा जैसे बनाना है तो उसके हिसाब से आप रखिए। ये जैसे कि मेरा 40 फंदे का है, तो ये देखिए इतना बड़ा बना है, तो मैं इसको ये वाला जो है मैं 21 फंदे का बना रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से इसको देखिए बिल्कुल लूज लूज करना है कि आराम से ये, क्योंकि अगर ये टाइट हो जाएगा तो फिर इसका लुक नहीं आएगा। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसको आप थोड़ा लूज लूज फंदे डालिए, और अगर आपसे फंदे लूज नहीं पड़ते हैं,
आपका हाथ टाइट है तो आप दो सलाइयों पे फंदे डालिए, नहीं तो अगर आप 9 नंबर से बिन रही हैं तो आप 8 नंबर की सलाई पे फंदे डालिए, और अगर 10 नंबर से बिन रही हैं तो 9 नंबर पे फंदे डालिए, क्योंकि ये बॉर्डर नहीं है, ये नॉर्मल एक पैटर्न बनाना है। तो इसके लिए जब हम इसको फिर इसके साथ में कोई दूसरा पीस जोड़ेंगे तो ये हमारा अच्छे से आए। तो सबसे पहले मैं इसमें 21 फंदे डाल लेती हूँ और फिर इसको मैं बताती हूँ कि हम लोगों को क्या करना है। तो ये हम पहले 21 फंदे डाल लें। ये देखिए मैंने इस पर 25 फंदे डाले हैं। 25 फंदे डालने के बाद अभी तक मैंने जितने भी डोरमेट आपको बताएं वो हम लोगों ने सीधे सीधे बीने हैं, लेकिन अरे उल्टे उल्टे बीने हैं, और अब मैं इसको सीधा बीनूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पहला फंदा उतार के ऊन पीछे करना होगा, और दो सलाई हम दोनों तरफ से सीधा सीधा ऐसे बिन लेंगे जैसे कि हम बिनते हैं। तो जब हम दोनों तरफ से इसको सीधा सीधा बिनेंगे तो ये भी हमारा इसी तरह से उल्टा उल्टा ही, जो ये बिनाई आता है जिसको हम गार्टर स्टिच बोलते हैं, सेम यही पैटर्न आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको सीधा सीधा, मैंने इसमें 25 फंदे डाल दिए हैं। आप इसमें 21 डालिए, 25 डालिए, 45 डालिए, 51 डालिए, जितना आपको बड़ा रखना है उस हिसाब से आप इसको रखिए। और ये इतनी जल्दी बन जाता है कि इसमें ज़्यादा फंदा भी अगर आप डालेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने एक सिलाई बिन लिया और फिर दूसरी सिलाई भी मैं इसी तरीके से सीधा सीधा ही बना लूँगी। ये देखिए, और इधर से फिर पहला फंदा उतार के ऊन हम पीछे कर देंगे और फिर इसको भी हम सीधा सीधा ऐसे बिन लेंगे। तो ये इतना पहले बिन लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, आपको अगर दूसरा कलर लगाना है तो आप इसमें लाइनिंग भी डाल सकती हैं। मैं इसको थोड़ा सा अभी प्लेन बनाऊंगी, जैसे कि मैंने इसमें प्लेन थोड़ा बनाया है। अब देखिए इसको हम बीच का एक फंदा अगर छोड़ दें, यानी 25 फंदे अगर हम छोड़ दें तो इसमें 12 फंदे का डिवीज़न होगा। तो हमको इसमें बीच में 3 फंदों को घटाना है। तो जब हम 25 में से 3 हटा देते हैं तो हमारे पास 22 फंदे बचते हैं। तो हम पहले 11 फंदे बिन लेंगे, ऊन उतार मत पीछे करिए फंदा उतार के। और देखिए ये एक हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 फंदे मैंने बिन लिए। अब इन दो फंदों को मैं इस तरीके से ऐसे, जैसे हम दो फंदे एक साथ बिनते हैं, ऐसे उतार लेंगे। फिर जो इसके बाद वाला फंदा है इसको हम बिन लेंगे और इन दोनों फंदों को इसके ऊपर से ऐसे ऐसे गिरा देंगे इस तरीके से। देखिए फिर बाकी के सारे फंदे हम इसी तरीके से सीधा बिन लेंगे। आप जितना भी फंदा रखिए, आप अगर 41 रखती हैं तो 41 में से पहले 3 माइनस कर लीजिए, जितने फंदे बचते हैं उसको हाफ हाफ आप डिवाइड करिए, या 51 रखती हैं उसको भी वही चीज़ करिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप फंदा कितना रखती हैं। अब इस तरफ से देखिए मैंने ऊन को पीछे कर लिया फंदा उतार के। अब ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, जो हम लोगों ने उधर से 11 फंदे बीने थे। अब ऊन आगे करिए, पहला फंदा, ये जो बीच वाला फंदा जिसको हम लोगों ने उतारा है इसको हम उतार लेंगे और ऊन फिर पीछे करके फिर हम पूरे 11 फंदे बीन देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। देखिए अब इसके बाद फिर पहला फंदा उतार के ऊन पीछे करेंगे इस तरीके से और अब हम 10 फंदे बीनेंगे। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर वही काम करेंगे। ये जो 2 फंदे हमारे हैं इसको हम इस तरीके से उतार लेंगे,
उसके बाद जो उसके बाद वाला फंदा है उसको हम बिन लेंगे, और ये जो हमारे ये दोनों फंदे हैं इसको हम इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो ये देखिए ये चोटी जैसी बनेगी, जैसे हम लोग वी गला बनाते हैं स्वेटर में उस तरीके से। अब फिर इन 10 फंदों को हम सीधा ऐसे ही बिन लेंगे, उस तरफ से भी 10 फंदा सीधा बिन के बीच वाले फंदे को हम उतार लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसको ऐसे, ये हर बार हम इसको उतार के ऊन पीछे कर देंगे। पहला फंदा हमको हमेशा उतारना है, चाहे हम उल्टी बिनाई करें या सीधी बिनाई करें, ये हमारी सीधी बिनाई का है। तो इस तरीके से हम इसको उतार लेंगे। अब देखिए 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, इसके बाद ये ऊन अपनी तरफ, ये बीच वाला फंदा हम उतार लेंगे और फिर ऊन पीछे करके फिर आप चाहे तो पूरा उल्टा बिन सकती हैं तो, लेकिन इससे बीच में जो हमारी एक केबल जैसी आएगी डिजाइन वो हमारा नहीं दिखेगा, वो कुछ अलग दिखेगा। तो इसके लिए आप चाहें तो इस तरीके से उतारिए, आप चाहें तो मत उतारिए। ये देखिए इस तरीके से अब ये बीच में ऐसे हमारा निकलेगा और ये ट्रायंगल जैसा हमारा बनता चला जाएगा। तो अब देखिए इसी तरीके से अब अगर आपको कोई दूसरा कलर लगाना है तो आप यहाँ से ये जो हमारा पहला फंदा यहीं पे हम इसको बीनेंगे, ये ऊन थोड़ा बड़ा रखेंगे और यहीं से इसको बीनेंगे, तब ये फंदा हम नहीं उतारेंगे क्योंकि यहाँ पे हम दूसरा ऊन लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा पीछे फंसा दीजिए। इस बार हमारे 9 फंदे रहेंगे, आप फंसा लीजिए चाहे यहीं पर आप नॉट लगा दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो इस तरीके से आप इसमें दूसरा कलर भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ एक कलर से बनाऊंगी, तो दूसरा मैं इसको जो साथ में जोड़ना है वो बताऊंगी, तो वो मैं आपको दूसरे कलर से बताऊंगी तो ज़्यादा समझने में आएगा। तो ये मैं लाइट कलर से बना रही हूँ, ये भी कलर आपको ये इसमें भी समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दूसरा जो है वो लाइट कलर से बना के बताऊँगी। तो ये देखिए ये वाइट वाले से मैं अलग इसका, क्योंकि ये छोटा छोटा पैटर्न बनेगा इसमें सिलाई नहीं होती है, इसको साथ में जोड़ते जाते हैं, तो मैं ये थोड़ा सा अपने तरीके से आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से अब हम 9 फंदे करेंगे, इसी तरह से लास्ट जब 3 फंदे रह जाएंगे तो हम इसको बंद करेंगे। तब तक मैं इसको और बना लूँ। ये देखिए इस तरीके से ये बन रहा है, यहाँ पे ये कोना निकल गया और ये इस तरह से जब ये पूरा घट जाएगा तो ये भी एक स्क्वायर पीस बन जाएगा। ये देखिए ये जो चोटी दिख रही है, ये जो हम लोग पहला फंदा पीछे से उतार ले रहे हैं बीच वाला फंदा, उसकी वजह से ये देखिए केबल जैसा आ जा रहा है। तो अब देखिए ये मेरे फंदे अब कम हो चुके हैं, मैंने इसलिए थोड़े से छोटे फंदे डाल के, कम फंदे डाल के मैंने बताया है। अब ये देखिए जो हम लोग घटाते हैं, जो बीच वाला केबल आ जाता है उस वहाँ से ये दोनों को ऐसे उतार के तीसरा वाला फंदा बिन लिया और इसको इस तरीके से, ये देखिए, और फिर उतार के ये बीच वाला फंदा हर बार हम इसको उतार लेंगे और ऊन पीछे करके फिर से, उतारते समय ऊन हम अपनी तरफ कर ले रहे हैं और फिर इसको हम पलट ले रहे हैं। ये देखिए अब हमारे लास्ट के कुछ कम फंदे ही रह गए हैं, तो अब हम इसको इसी तरीके से करते हुए, देखिए अब 2 फंदे हो गए, इन दोनों को एक संग इस तरीके से करके और फिर यहाँ वाला बिन लेंगे और इन दोनों को इस तरीके से हम उतार देंगे और फिर ये लास्ट का 2 फंदा, ये देखिए। ये 2 फंदा ऊन आगे, ये बीच का फंदा उतारा और ये लास्ट में भी वही चीज, पहला फंदा उतार के अब यहाँ का ये बीच का ये 2 फंदा हम ऐसे उतारेंगे, इसको बीनेंगे और इन दोनों फंदों को इसके ऊपर से, ये
उतार देंगे। ये देखिए, अब इधर से फिर उल्टा बिन लेंगे। ये, और अब इन तीन फंदों को, ये हमारा लास्ट है, यहाँ पे बिनना नहीं है, इन दोनों फंदों को इस तरीके से हम उतारेंगे और ये बीनेंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। तो ये हमारा फिनिश हो गया। अब इसको आप यहाँ पे कट कर दीजिए। ये देखिए, इसको यहाँ पे ऐसे हम, तो ये हमारा देखिए इस तरीके से एक तरह से ये स्क्वायर पीस बन गया। अब इसमें अगर आपको कोई अलग डिजाइन बनानी है तो अलग बात है, आप चाहें तो इसके बगल बगल में यहाँ फंदा उठाएंगे और हम बनाएंगे। इधर फंदा उठाने का, यहाँ से पहले हम फंदा उठाते हैं फिर और फंदे हम बढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमारे टोटल 25 फंदे के हैं, तो हम यहाँ से यहाँ तक इसमें 13 फंदे उठाएंगे और फिर बाकी 12 फंदे हम फंदा डाल के करेंगे। तो ये देखिए, इसको मैं यहीं पे छोड़ दे रही हूँ आपको दिखाने के लिए। इस तरफ से सबसे पहले हम 13 फंदा डाल लेंगे सिलाई पे। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह से आप 13 फंदा डाल लीजिए। तेरह फंदा हम डाल लेंगे, ये देखिए 2 3, ये भी हम लूज लूज ही रखेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब इन 13 फंदों को हमें सीधा बिन लेना है। पहला फंदा उसी तरीके से ऐसे उतार के पहले हम इसको बिन लेंगे सीधा। ये मैं आपको एक आइडिया दे दे रही हूँ। इसके बाद हम चाहें तो इसको स्क्वायर बनाएं, या चाहें तो रेक्टेंगल बनाएं, या इसको हम सर्कल, या आप जैसा भी आप डिज़ाइन आप इमेजिनेशन कर सकती हैं वैसा, तो हम इसको कुछ अलग बनाएंगे। पहले हम ये देखिए, मैंने इसमें 2 4 6 8 10 12 13 फंदे उठाए, और अब ये जो हम लोगों ने ये फंदे उतारे थे वहाँ से हम इसमें इस तरीके से देखिए डालेंगे। ये जो हमने केबल उतारा है वहाँ पे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, और ये यहाँ पे हमारा हो गया 12वां। यहाँ पे ये हमारा, इसलिए मैंने अभी इसको किया नहीं था। ये देखिए, ये हमारा हो गया। अब हम इधर से टोटल सारे फंदों को सीधा सीधा बिन लेंगे। ओके, इसमें हमको अलग से सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, और फिर हम वही सेम चीज़ इस ऊन को मैं कट कर लूँगी। पहले इन 25 फंदों को हम इस तरीके से सीधा सीधा बिन लेंगे। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ऊन लूज रहता है, तो यहाँ पे को आप आराम से बिनिए ताकि ये हमारा फंदा जो है लूज ना हो।
मैंने व्हाइट कलर इसलिए यहाँ पे लगाया है कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये देखिए, आप 11 फंदों को हम बिन लेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया। पहला फंदा उतार के ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। और अब इन दो फंदों को हम ऐसे उतार लेंगे और फिर ये हम इसके बाद वाला बिन के इन दोनों फंदों को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर बाकी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। अब इसको भी हम उसी तरीके से बिन लेंगे। इसके बाद आप जितना बड़ा बनाना चाहती हैं उतना आप बना लीजिए। ये आज मैंने आपको ये इतना पैटर्न बता दिया, ये आप इस तरीके से बना लीजिए। कल मैं आपको यहाँ से उठा के बनाना बताऊँगी। और ये जब दो पैटर्न तैयार हो जाते हैं तो ये इनके बीच से भी उठता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी अगले वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, ये एक पैटर्न ये था, उसी से रिलेटेड मैंने ये एक दूसरा पैटर्न आपको बताने की आज कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। मैं ऐसे ही अलग अलग डिज़ाइन आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।